हेलो क्रिकेट फैंस, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्पोर्ट्स टॉट पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं बीसीसीआई अवार्ड्स के बारे में। और उसके अलावा इंडियन वुमेन्स टीम का ऐलान हो चुका है फॉर दी T20I वर्ल्ड कप, तो इंडियन वुमेन्स टीम के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और जो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस न कर पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीसीसीआई अवार्ड्स के बारे में। बीसीसीआई अवार्ड्स में सबसे पहला अवार्ड मिला कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि मिला कृष्णमाचार्य श्रीकांत को। उसके बाद मिला बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन अंजुम चोपड़ा को। दिलीप दोषी को मिला बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड। दिलीप सरदेसाई अवार्ड फॉर हाईएस्ट रन गेटर इन टेस्ट क्रिकेट मिला है चितेश्वर पुजारा को। पॉली उमरेगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मिला है जसप्रीत बुमराह को। दिलीप सरदेसाई अवार्ड फॉर हाईएस्ट विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट भी मिला है जसप्रीत बुमराह को। उसके अलावा बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन का अवार्ड मिला है पूनम यादव को। हाईएस्ट रन गेटर इन वुमेन इन ओडीआईज का अवार्ड मिला है स्मृति मंदाना को। हाईएस्ट विकेट्स इन वुमेन ओडीआईज का अवार्ड मिला है झूलन गोस्वामी को। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू का अवार्ड मिला है मयंक अग्रवाल को। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वुमेन का अवार्ड मिला है शफाली वर्मा को। लाला अमरनाथ अवार्ड फॉर बेस्ट ऑलराउंडर इन रणजी ट्रॉफी मिला है शिवम दुबे को। लाला अमरनाथ अवार्ड फॉर ऑलराउंडर इन लिमिटेड ओवर्स कंपटीशन मिला है नीतीश राणा को। माधव राव स्किंडा अवार्ड फॉर हाईएस्ट रन गेटर इन रणजी ट्रॉफी मिला है मिलिंद कुमार को। और माधव राव स्किंडा अवार्ड फॉर हाईएस्ट विकेट टेकर इन रणजी ट्रॉफी मिला है आशुतोष अमन को। सो अब बात कर लेते हैं इंडियन वुमेन्स टीम फॉर T20I वर्ल्ड कप के बारे में, और ये टीम कुछ इस प्रकार है। हरमनप्रीत कौर कैप्टन, स्मृति मंदाना, शफाली वर्मा, जमीना रोड्रिगेज, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, वेदा कृष्णमूर्ति, ऋचा घोष, तानिया भाटिया, पूनम यादव, राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड़, शिखा पांडे, पूजा वस्त्रकार और अरुंधति रेड्डी। तो ये टीम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही, काफ़ी मजबूत टीम दिखाई दे रही है ऑन द पेपर, क्योंकि यहाँ पे हरमनप्रीत कौर कैप्टन है, जिनका परफॉर्मेंस इंडिया के लिए और ओवरऑल भी T20I क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। उसके अलावा स्मृति मंदाना जो ओपनिंग करेंगी, और उनका रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है तो। स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, मेरे हिसाब से बैटिंग में ये दो बहुत बड़े नाम हैं। और उसके अलावा अगर देखें शफाली वर्मा, जिनको बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वुमेन का भी अवार्ड मिला, उनसे भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होंगी। और उसके अलावा इस टीम का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहेगा वो रहेगी इस टीम के जो जितने भी स्पिनर्स हैं, वो इस टीम की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहेंगी मेरे हिसाब से। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के हिसाब से बेस्ट अवार्ड किसको मिला, कौन से प्लेयर आपके फेवरेट प्लेयर हैं, और वुमेन्स T20I वर्ल्ड कप से आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या इंडिया इस बार वुमेन्स T20I वर्ल्ड कप जीत सकता है या नहीं, ये सभी चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ।